हेलो फ्रेंड्स, सुनीता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि बहुत ही ज़्यादा कमाल की रेमेडी। अगर आप बहुत ही टाइम से परेशान हैं और आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है, या आपके बाल बहुत ही ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा असरदार रेमेडी लेके आई हूँ। तो चलिए रेमेडी बनाने स्टार्ट करेंगे। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। और अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी जाके फॉलो, लाइक, शेयर करें, वहाँ पे भी आपको ऐसे ही नई नई रेमेडी देखने को मिलेगी। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है, इसमें लेना है आपको कोई सा भी आंवला ले लेना है। आपको ताज़ा हो तो ताज़ा ले सकते हैं, नहीं है तो आप इसकी जगह आंवले का जो पाउडर आता है वो भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आंवले को कट कर लिया, हमने एक इसमें आंवला ऐड कर दिया। आप इसमें चाहें तो दो से तीन आंवले भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। दूसरी चीज़ हम इसमें ले लेंगे एलोवेरा। तो ताज़ा हमने फ्रेश एलोवेरा की जो पत्ती हमने तोड़ के रख ली है, ये इतनी ज़्यादा असरदार होती है कि हमारे बालों की जो ग्रोथ रुक चुकी होती है तो उसको बहुत ही रीग्रोथ में स्पीड से रीग्रोथ स्टार्ट करती है। ये बहुत ही कमाल का रिजल्ट आता है इसमें। तो इस तरीके से जो एलोवेरा की जो लीव्स है उसको इस तरीके से कट करना है। इसको आप चाहें तो इसमें जेल निकाल के भी यूज कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हमने छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लिए टुकड़ों में, और इतनी ज़्यादा असरदार कमाल की रेमेडी होने वाली है फ्रेंड्स कि अगर आप ये रेमेडी को एक बार अप्लाई कर लेंगे तो आपको इतना ज़्यादा असर देखने को मिलेगा कि आपके बालों में एकदम बिल्कुल नई एक रौनक आ जाएगी, जान आ जाएगी उसमें, कितना ज़्यादा इसका चमक आएगी बालों में और ग्रोथ भी बहुत ही स्पीड से बढ़ेगी। थोड़ी सी ऐड कर दी इसमें कड़ी पत्ते। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि हमारे बालों में बहुत ही ज़्यादा एकदम पावरफुल एनर्जी लेके आती है, हमारे बालों में इतनी ज़्यादा चमक लेके आती है। तो देखिए, हमने इसको एक मिक्सी के जार में डाल दिए हैं। अब इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे तो वो हमने ले लिया है। इसमें मेथी ले लिए हैं, तो इसमें एक से दो चम्मच के करीब आपको मेथी दाना लेना है। इतना ज़्यादा असर होने वाला है इस मेथी का आपके बालों में, कितना ज़्यादा सिल्कीपन लाएगा बालों में, कितना ज़्यादा बहुत ही बालों की लेंथ भी बहुत ही स्पीड से बढ़ेगी। थोड़ी सी इसमें ऐड कर दी हमने, 5 से 7 इसमें लौंग ले लिए हैं। और अब इसमें ऐड कर देंगे, 1 चम्मच हमने डाल दिया अलसी डाल दिए हैं। तो इतना ज़्यादा असर है इसका कि हमारे बालों में एक बार लगाएंगे तो आप इसको बार बार लगाने का मन करेगा। और हफ्ते में आपको केवल इसको एक बार अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आपको बार बार इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। एक बार लगाएंगे तो भी आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा एक नया ही टेक्सचर आएगा, आपके बालों में इतना ज़्यादा सिल्कीपन आएगा, आपके बालों की लेंथ भी बहुत ही स्पीड से बढ़ेगी। तो देखिए, इसका पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। अब इसका पेस्ट को जो भी इसको निचोड़ के लेना है आपको, ये चाहे तो आप इसको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेथी है जो थोड़ी जल्दी हमारे को भिगोने के बाद में ये बिल्कुल जम जाती है, हमारे बालों में चिपक जाती है। तो आप हो सके तो इसको छान के ही यूज करें, उससे बहुत ही अच्छा जो हमारे बालों में रिजल्ट आएगा बहुत ही कमाल का आएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसको हफ्ते में एक बार ज़रूर अप्लाई करें। आपके बालों की अगर ग्रोथ रुकी हुई है या आपके बालों में बिल्कुल भी चमक नहीं है, आपके बाल बहुत ज़्यादा रुखे हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रेमेडी है ये। और नेचुरल तरीके से अपने बालों को भी ब्लैक भी करेगी, हमारे बालों की लेंथ को भी बढ़ाएगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी जाके फॉलो, लाइक, शेयर करें, वहाँ पे भी आपको ऐसे ही नई नई कमाल की रेमेडी देखने को मिलेगी। तो देखिए, ये जो सीरम बनके तैयार हुआ है, ये जो हेयर पैक भी बोल सकते हैं, हेयर मास्क भी बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा कमाल का हुआ है ये। देखिए, इसका टेक्सचर देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप एक बार लगाएंगे तो अपने बालों में कितना ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। तो अब इसमें आप और भी कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। इतना ज़्यादा चिकनाहट है कि हमारे बालों में बहुत ही ज़्यादा एकदम इतना ज़्यादा चमक लेके आएगा, इतना सिल्कीपन आएगा बालों में कि आपको कोई भी कंडीशनर या आपको सीरम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसमें ऐड कर देंगे, एक हमने ले लिया है विटामिन ई का कैप्सूल। आप इसकी जगह 1 से 2 भी ले सकते हैं, अगर आपके बालों की लेंथ के हिसाब से भी ले सकते हैं। हो सके तो अपने बालों की जो जड़ें होती है वहाँ पे अप्लाई करें, आपको लेंथ पे लगाने की भी ज़रूरत नहीं, बहुत ही ज़्यादा असर आएगा इसमें। तो हमने अब इसमें ऐड कर देंगे नारियल तेल। तो आप नारियल तेल की जगह अगर जो भी कोई सा तेल यूज करते हैं वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो
तो देखिए बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसमें नारियल तेल और डाल दिए हैं, ये इतना ज़्यादा कमाल की रेमेडी है फ्रेंड्स। आप इसको रात को लगा के सो जाएंगे और सुबह उठ के आप अपने बालों को जो भी शैम्पू कोई सा यूज़ करते हैं वही आप इसमें अप्लाई करके अपने बालों को धो सकते हैं, बहुत ही कमाल का रिजल्ट आएगा। तो वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दे, तो हमारे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।